बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। मायावती का PM मोदी पर हमला, कहा यूपी की 22 करोड़ जनता के साथ किया विश्वासघात। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी यूपी में घूम घूम कर कह रहे हैं कि यूपी ने उन्हें देश का PM बनाया है, जो कि सही है, लेकिन उन्होंने यूपी की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी व विश्वासघात क्यों किया। यूपी अगर उन्हें PM बना सकता है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकता है जिसकी पूरी तैयारी दिखाई पड़ती है। श्रीलंका के चर्च और होटल में 6 जगहों पर सीरियल बम धमाके में 42 की मौत, सैकड़ों घायल। श्रीलंका के कोलंबो में ईस्टर सेंट के मौके पर चर्च और होटल में कई धमाके हुए। जानकारी के अनुसार कुल 6 धमाकों में 42 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 500 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 80 की हालत गंभीर है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है भारत। ईस्टर संडे के मौके पर श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भयानक हमलों में से एक झेल रहा है। इस हमले में अब तक 187 लोगों की मौत हो गई है और करीब 450 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के ताजा घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, आज श्रीलंका में जो कुछ हुआ है, भारत पूरी मजबूती के साथ श्रीलंका वासियों के साथ खड़ा है। संकट की इस घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकती है, हर मदद के लिए तैयार है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।